और नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो लास्ट टाइम आपने देखा कि हम बंजारा मार्केट गए थे जो कि सेक्टर 50 टिगरा विलेज के पास में थी और वो रोड साइड पर पूरी मार्केट लगी हुई थी। तो आज हम आ गए एक और बंजारा मार्केट को एक्सप्लोर करने जो यहाँ पर सेक्टर 58 घाटा विलेज के पास में लगी हुई है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे ऑफिशियल बंजारा मार्केट जो लगती है सेक्टर 58 घाटा विलेज के पास। और ये टिगरा विलेज वाली बंजारा मार्केट से काफी बड़ी है और यहाँ पर वैरायटी भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे होम डेकोर के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हमने काफी नया और एंटीक फर्नीचर कवर किया है। यहाँ की मार्केट में आपको सब कुछ मिलता है जो नॉर्मल मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलता। और बंजारा मार्केट में आपको चीजें आसानी से बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गुड़गांव का सेक्टर 55 एंड 56 पड़ेगा और वहाँ से आप ऑटो लेकर इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बट हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप अपने कन्वेंस कार से यहाँ पर आएं ताकि अगर आपको कुछ पसंद भी आता है और कुछ आप परचेज शॉपिंग करते हैं तो उसको आप इजीली वापस ले जा सके। बिकॉज यहाँ पर शॉपकीपर्स जो है प्रॉपरली बॉक्स में पैकिंग करके सामान नहीं देते, बस बबल रैप करके आपको सामान दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं इस बंजारा मार्केट की पहली शॉप की ओर जहाँ पर आपको बालकनी या लॉन में रखने के लिए इस तरीके के झूले मिल जाएंगे। और इस व्हाइट वाले झूले का प्राइस इन्होंने 7500 बताया और ब्राउन वाले का 15000, बट बार्गेनिंग करके ये आपको 3500 टू 5000 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। और इसी शॉप पर आपको चेयर टेबल सेट भी मिल जाएगा जो आप अपनी बालकनी, टेरेस या लॉन में इजीली रख सकते हैं। तो ये इंडोर एंड आउटडोर दोनों में काम करता है और इसकी खासियत यही है कि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो बारिश वगैरह आने पर भी ये खराब नहीं होता और इनका कलर भी फेड नहीं होता। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अपनी टेरेस को एनहांस करने के लिए। तो ये व्हाइट वाले का प्राइस इन्होंने 10000 बताया और ब्राउन वाले का 12000। ऐसे ही आगे व्हाइट वाला फिर से जो थोड़ा बड़े साइज में था उसका 14000 और सबसे आगे जो रखा हुआ है उसका 18000 का प्राइस था। तो ये झूला जो आप देख रहे हैं वो 25000 का प्राइस इन्होंने बताया, बट बार्गेनिंग करने के बाद आपको 8 से 12000 के आसपास की रेंज में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो ये भी बहुत अच्छी चीज लग रही है मुझे, और इसी शॉप में आपको आगे लैंप भी देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही ट्रेंडी लुक दे रहे थे और फर्स्ट लुक में ही हमें बहुत पसंद आ गए थे। और ये छोटे वाले का प्राइस 550 रुपए बताया था और ये बड़े वाले का प्राइस जो था वो 1200 रुपए था। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें बल्ब की सेटिंग अभी नहीं हुई हुई थी और वो आपको खुद बाहर से इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तो जिस वजह से हमने इसको नहीं परचेज किया और हमें ये वर्थ नहीं लगा। तो अभी तो नहीं इसमें बल्ब का सेटिंग हुआ हुआ, आप करके दोगे? ये आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो वायर वगैरह में कुछ खुद लगवा के सेट करना पड़ेगा, मतलब किसी में भी नहीं लगा हुआ मिरर वो बल्ब? यार बल्ब वाला लगा होता तो फिर प्रॉपर बढ़िया हो जाता। वैसे होल्डर वगैरह प्रॉपर लगा, यहाँ से देखो वायर यहाँ से जाएगा, होल्डर लग जाएगा। तो इस शॉप में सारा सामान बालकनी, टेरेस, लॉन को डेकोर करने से रिलेटेड था और यहाँ पर वो सेम प्लांटर्स भी थे जो हमने अपनी लास्ट बंजारा मार्केट में परचेस किए थे। प्लस यहाँ पर कुछ इस तरह के मार्बल के केबल्स भी अवेलेबल थे जिनका स्टार्टिंग प्राइस 1200 रुपए से थी। सो नेक्स्ट शॉप में अगर चलें तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वाटर फाउंटेन्स मिल रहे थे। वाटर फाउंटेन गिव्स वेरी कामिंग इफेक्ट टू द हाउस और ये आपकी घर की एंट्रेंस को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे डिजाइंस एंड पैटर्न्स, कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये सारे आपको यहाँ पर शॉप नंबर 72 में मिल जाएंगे। ये वाला 3500 का है और ये 4500 का है और आफ्टर बार्गेनिंग आपको यहाँ पर ये 2000 से 2500 में इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइटम्स आपको काफी सस्ती मिलेंगी, चीपर देन एनी अदर ब्रांड और ऑनलाइन से भी ज्यादा सस्ता मिलेंगे और अमेजोन से भी ज्यादा सस्ते। इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉडर्न आर्ट पीसेस तो वो भी आपको इस मार्केट में काफी देखने को मिल जाएंगे और इस वाली शॉप पर आपको काफी मेटल का सामान मिल जाएगा लाइक दीज शो पीसेस। और यहाँ पर ये हैंड क्राफ्टेड वॉच भी मिल रही थी, बहुत ज्यादा बड़ा इसका साइज था और ये आप अपने लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम में कहीं पर भी लगा सकते हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक लुक दे रही थी।
इसका प्राइस भैया ने 3000 रुपीज बताया, जो आपको 1000 से 1200 रुपीज में इजिली मिल जाएगी। और इसी शॉप में वुगन मिरर्स भी अवेलेबल थे, जिसका प्राइस 2500 रुपए बताया, और ये छोटे वाले का प्राइस 2000 रुपए था। और साथ में ही इसके ये बहुत ही सुंदर वुगन टेबल भी मिल रही थी, जो मुझे काफी अच्छी लगी, इसका प्राइस भैया ने 2100 रुपीज बताया। इसमें इससे बड़ा साइज होगा नहीं होगा? और इस मैकेलिक शोपीस का प्राइस 800 रुपए था, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट था। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट शॉप पर। और ये शॉप पूरी होम डेकोर से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो आपने होम सेंटर या फिर पिनिंटरेस्ट या फिर अमेजोन, इन सब जगहों पर देखी होगी। सो आई वॉज इम्प्रेस कि ये बंजारा मार्केट में इस तरह की शॉप्स भी लगती है। तो यहाँ आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शोपीसेस मिल जाएंगे, जो हमने पहले बंजारा मार्केट में नहीं देखे। और सभी शो पीसेस अपने आप में बहुत ही सुंदर थे और यूनिक डिजाइन के थे। यहाँ पर आपको बहुत ही क्यूट योगा करते हुए 3 मंकीज का सेट 1500 रुपए में मिल रहा था। और यहाँ इतने हैंडसम गोरिल्ला जिसके एप्स भी बने हुए थे, ये एक गोरिल्ला का प्राइस 900 रुपए था। और इसमें ये दूसरा वाला ब्लैक कलर भी मिल रहा था। और ऊपर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे उनका प्राइस 1200 रुपए बताया। आप इन्हें शो पीस की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसमें कुछ अपना सामान भी रख सकते हैं, लाइक की कॉइन्स, और इसमें आप कॉफीज चॉकलेट्स वगैरह भी रख सकते हैं, और इसे अपने डाइनिंग टेबल पर भी सजा सकते हैं, जो बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ और शोपीसेस सेट थे जिनका प्राइस इन्होंने 1000 रुपीज से 1200 रुपीज का कोट किया। तो आगे चलें तो ये बुद्धा के स्टैचूज भी अवेलेबल थे, जिनका प्राइसेस इन्होंने 1500 कोट किया था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति भी थी, जो आप अपने घर की एंट्री पर भी लगा सकते हैं, जिसका प्राइस इन्होंने 3000 कोट किया था। साथ ही में यहाँ पर एक गणेश जी की एक और छोटी सी वॉल हैंगिंग थी, जिसमें आप साइड पर धूप भी जला सकते हैं रोज और पूजा कर सकते हैं इजीली, और इसका प्राइस हमें इन्होंने 1500 कोट किया। आगे चलें तो बहुत ही यूनिक आधा कटा गोरिल्ला भी अवेलेबल था, जिसको हमें इन्होंने 900 का कोट किया। और आगे कुछ बहुत सारे शो पीसेस थे जो हमें बहुत ही अच्छे लगे, बट प्राइजेस काफी ज्यादा इनके हमें बताए जा रहे थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बालकनी या फिर आपके स्टडी रूम या टेबल के लिए एक ऐसे शैंगलर्स भी मिल रहे थे, जिसका प्राइस इन्होंने आफ्टर डिस्काउंट हमें 1000 रुपीज बताया। यहाँ पर आगे जाए तो बहुत ही सुंदर एक क्लॉक मिल रही थी, जो आप अपने डाइनिंग टेबल या फिर स्टडी टेबल या ऑफिस में कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये क्लॉक का प्राइस इन्होंने हमें 1500 का कोट किया। तो हमें इस शॉप में काफी यूनिक आइटम्स देखने को मिली और काफी अच्छी भी लगी, लेकिन हमारे को यहाँ के प्राइसेस थोड़े ज्यादा लग रहे थे। तो आगे चलते ही उस शॉप के सामने हमें एक फर्नीचर की शॉप दिखी, और हमारा ड्रेसिंग टेबल लेने का सपना क्या आज पूरा होगा वो हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें कोई ड्रेसिंग टेबल पसंद आएगा भी या नहीं। तो हमें एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए, और यहाँ पर हमने कुछ यूनिक टेबल्स देखे, बट जो साइज हमें चाहिए था वो हम अभी भी सर्च कर ही रहे थे। तो कुछ टेबल्स जो हमें पसंद आ रहे थे उसका साइज उतना नहीं था। जैसे हमने ये टेबल देखा गोल्डन कलर का, जिसका प्राइस इन्होंने हमें 6000 रुपीज बताया, बट हमारी रिक्वायरमेंट को ये मैच नहीं कर रहा था। और यहाँ का फर्नीचर इतना फिनिश्ड भी लुक में नहीं था, रॉ लुक में था, जिस वजह से हमारा जो हंट था ड्रेसिंग टेबल का वो अभी भी जारी था। तो फिर आगे चलते ही हम साइड टेबल्स या फिर स्टडी टेबल्स जैसे एक शॉप में घुसे, जहाँ पर हमें ये एक बहुत ही यूनिक ग्लास से रिलेटेड जो है फ्लावर स्टैंड मिला, जिसमें आप इजीली एक फ्लावर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही एज अ चाय का कप लग रहा था, बट ये एक फ्लावर स्टैंड था जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही हमें न्यू दिखा। ये क्या है? वास है रोज का किसी का फ्लावर रखने के लिए, थोड़ा सा पानी भर के ऊपर से यहाँ से ऐसे खड़ा हो जाएगा स्ट्रेट। और मिरर्स हमें दिखे, मिरर्स हमें काफी अच्छे ये जाली टाइप में मिरर्स दिखे। साथ ही में ये शोपीस हमें दिखे रेंडियर्स वाले, तो ये 3 का सेट जो था वो 1800 रुपए के आसपास का था, तो ये हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ न्यू स्टाइल के जो है फ्लावर वासेस देखे, और सामने कुछ फ्रेम्स थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, प्लस हमने यहाँ पे एक ट्रे भी देखी जो बहुत सुंदर ट्रे लगी। ये वाली ट्रे का क्या प्राइस है? 700 रुपए। और ये लोग जितने भी पेंट यहाँ पर इन आर्टिफैक्ट्स पे यूज करते हैं वो सारे स्प्रे पेंट्स यूज करते हैं, तो यहाँ की क्वालिटी हमें फिर भी कुछ अच्छी लगी। इनका क्या रेट है? ये 1800 का 3 का सेट है मैम। अच्छा। जैसे 1 2 3
सो आगे चलते हैं तो शॉप नंबर 32 पे हमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लस वॉल हैंगिंग्स बहुत सारे मिल रहे थे। तो यहाँ पर सारे तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लीव्स और बेल वगैरह ये सारी चीज़ें थी। फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट सनफ्लावर्स, रोजेज और पैम्पस जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। प्लस वॉल हैंगिंग्स, आप यहाँ से ये जाली भी ले सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल लीव्स लगी हैं, ये आप अपनी बालकनी या फिर गार्डन में कहीं पर भी वॉल्स पर इजीली टांग सकते हैं। तो ये एक जाली का प्राइस जो है वो हमें 650 रुपीस यहाँ पर कोट किया गया। साथ ही में यहाँ पर ये बालकनी में टांगने के लिए ये ग्रास बॉल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को, बट ये मेरे हिसाब से ये काफ़ी पुराना ट्रेंड हो चुका है ये ग्रास बॉल का, और पहले लोग ये बहुत यूज़ करते थे, लेकिन इसका प्राइस जो हमें यहाँ पर है वो 800 रुपीज़ कोट किया गया। तो यहाँ पर आपको वासेस के लिए बहुत सारे फ्लावर्स और पैम्पर्स ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिनका प्राइस जो था वो 250 से लेके 350 रुपीज़ के आसपास था। यहाँ पर हमने बहुत सारे कस्टमर्स देखे और बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे परचेज कर रहे थे, और हमने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया बिकॉज यहाँ पर काफ़ी यूनिक कलेक्शन था। और ये आर्टिफिशियल पॉट आप देख सकते हैं फ्लावर का, जो 350 रुपीस का एक हमें बताया गया था। सो हमने भी यहाँ से जो है ये वाइट पैम्पस लिया, जो एक हमें 100 रुपीस का कॉस्ट किया। तो बंजारा मार्केट आए हैं और हम लोग अपने किचन के लिए कटलरी ना देखें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें यहाँ पर बहुत ही यूनिक कप्स देखने को मिले, प्लस बहुत ही यूनिक वासेस वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल थे। और यहाँ पर हमें कुछ नए तरीके के ये स्कल वाले पॉट्स भी देखने को मिले, जो 300 रुपीस का एक पॉट हमें बताया गया था। प्लस एक ये कप, चाय के कप के शेप में पॉट भी था, जो बहुत ही यूनिक लगा और इसे देखकर हमें चाय पीने का मन भी कर गया। तो ये मस्क ने मुझे रिकमेंड कर ही दिया था कि आप अपनी चाय पीने के लिए इतना बड़ा कप ले लो, तो ये भी इन्होंने 350 रुपीस का एक हमें बताया। यहाँ से हमने ये बहुत ही न्यू स्टाइल का जो है फ्लावर वास देखा, जो हमें 350 रुपीस का इन्होंने कोट किया था, बट हमने 250 रुपीस में दो यहाँ से परचेज किए। प्लस चाय पीने के लिए ये बहुत ही सेरामिक से रिलेटेड कप्स थे, जो बहुत अच्छे लग रहे थे बट इतने ड्यूरेबल नहीं लग रहे थे, तो हमने इसे परचेज नहीं किए, जिसका प्राइस जो है ये हमें 60 रुपीस के आसपास बता रहे थे। तो ये आपको सब यहाँ पर बंजारा मार्केट शॉप नंबर 19 में देखने को मिल जाएंगे। कुछ सोप कीपर्स भी थे, कुछ यहाँ पर आपको ज्वेलरी रखने के लिए भी बॉक्सेस सेरामिक से बने हुए मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको सेरामिक से बने हुए वाटरिंग कैंस प्लांट्स में यूज करने के लिए भी मिल जाएंगे। और ये मॉडर्न जमाने की कैट जिसपे प्रेस कर दी गई है, ये वाला जो प्लांटर था ये भी बहुत ही यूनिक था। और यहाँ पर ये शॉप नंबर 19 पे हमें बहुत ही क्यूट और बहुत ही यूनिक सेरामिक से बना हुआ सामान देखने को मिल। तो आप भी अगर फैन है सेरामिक से बनी हुई आइटम्स के, तो यहाँ बंजारा मार्केट घाटा विलेज में आप विजिट करें, यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा सामान यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफ्यूजर्स भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही यूनिक सेरामिक से बने हुए। तो हमारी ड्रेसिंग टेबल की खोज अभी भी जारी थी, तो हम ऐसे ही आ पड़े एक और फर्नीचर वाली शॉप में। तो यहाँ पर जो है हमें काफी कम सामान देखने को मिला, और ये क्या, यहाँ तो फॉरनर्स भी आए हुए हैं, तो फॉरनर्स में भी बंजारा मार्केट का क्रेज जो है वो पूरा जम चुका है। और यहाँ पर भी फॉरनर्स जो है वो देखिए सेरामिक से बनी हुई यूनिक आइटम्स जो है वो बहुत सारी परचेज कर रहे हैं। तो ये भी हमें बहुत एक अच्छा चीज मिली कि बंजारा मार्केट जो है वो बहुत ही एक बज बना रही है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आगे चलते हुए हमने बहुत सारे रग्स, बहुत सारे मैट्स एक्सप्लोर किए, अलग अलग साइजेस 5x4, 6x4, 7x4 में बहुत सारे मैट्स के साइजेस अवेलेबल थे। तो हमें भी अपने लिविंग रूम के लिए एक मैट चाहिए था, तो वही चीज़ हमने बहुत सारे एक्सप्लोर किए, अलग अलग कलर्स में थे, जिनके प्राइजेस जो थे वो ऑलमोस्ट 5000 से 7000 की रेंजेस में हमें बताए गए। तो आफ्टर डिस्काउंट जो है वो आपको ऑलमोस्ट 60-70% डिस्काउंट पर ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी। तो आगे चलते हुए हमने ये बहुत सारे टेबल के लिए रखने के लिए मैट्स भी देखे, जो सर्कुलर शेप में थे, क्रोशिया से भी बने हुए थे, अलग अलग मैट्स थे। तो ये भी हमें यहाँ की वैरायटी भी हमें देखकर हमें और भी शॉप्स को एक्सप्लोर करना था,
तो हमने सोचा कि अगर हमें और कहीं पर अच्छा मिला तो हम वहाँ से परचेस कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग आगे चल पड़े। तो हमने और मैक्स को एक्सप्लोर किया और फिर हम आप पहुंचे शॉप नंबर 49, जहां पर और मैक्स हमें देखने को मिले। तो यहां पर भी हमने काफ़ी मैक्स एक्सप्लोर किए और ये वाला जो मैक था वो 6x4 का मैक था और जो हमें उन्होंने 7000 का कोट किया। तो आगे चलते हुए हमने यहां पर हमने एक मैक की शॉप में एंट्री करी जहां पर बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ थी और यहां पर क्रोशिया से बना हुआ एक मिरर भी था जो बहुत यूनिक लग रहा था, जिसका प्राइस इन्होंने हमें 800 रुपीज बताया। और यहाँ पर काफ़ी मैक्स अवेलेबल थे और काफ़ी बड़े साइजेस में भी मैक्स थे और इनका प्राइजेस इन्होंने 3500 से 4000 रुपीस के रेंज में हमें बताया। काफ़ी अच्छी और काफ़ी वाइड वैरायटी के मैक्स इनके पास अवेलेबल थे और इस शॉप पर काफ़ी भीड़ थी, तो हमने भी सोचा कि एक बार यहाँ पर ज़रूर चेकआउट करें कि इनकी कलेक्शन कैसी है, बट हमें इतना कुछ यहाँ पर पसंद नहीं आया। ये वाइक वाला मैक जो है ये हमें 7000 रुपीस का कोट किया और इसका भी जो साइज है वो 6x4 का था। ज़्यादा वाइट होने की वजह से हमने ये मैक परचेज नहीं किया और ये सर्कुलर मैक जो है वो 100 रुपीज़ का एक हमें कोट किया गया था। तो आगे हम चले तो 50 नंबर शॉप में हमें सेरामिक से मिले और सामान मिला, जिसमें हमने बहुत ही क्यूट दिल के हार्ट्स के इम्प्रिंट्स में हमने कप प्लेट देखी जो 100 रुपीज़ का हमें बताया गया और ये डबल कलर में भी हमने कप देखा जो हमें 60 रुपीज़ का बताया गया था। तो आगे चलते हुए यहाँ पर भी बहुत सारे सेरामिक से अलग अलग कलर्स में जो है डिनर सेट्स अवेलेबल थे और बहुत सारी ट्रेज, ये हमने ट्रे जो है लीफ वाली ये लास्ट बंजारा मार्केट में भी देखी थी, प्लेटर्स से रिलेटेड बहुत सारे अवेलेबल थे, प्लस वॉशरूम्स में रखने के लिए सोप डिस्पेंसर्स भी अवेलेबल थे। तो आगे चलते हुए हम एक और शोपीसेस की शॉप्स में गए जहाँ पर बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ और उनकी बहुत यूनिक ये गणेश जी की स्टाइल की मूर्ति बहुत ही अच्छी अवेलेबल थी। तो ये गणेश जी की मूर्ति जो है वो बहुत ही यूनिक थी और हमने यहाँ पर बहुत पसंद करी, तो जिसका प्राइस जो है वो 2500 रुपीज़ का हमें बताया। सो ये तीन फेस वाले भी लोग यहाँ पर कुछ अवेलेबल थे जो शो पीसेस में थे और यहाँ पर कुछ बहनें भी थीं जिनको काफ़ी सारे वेशभूषण पहनाकर रखा गया था और इसका प्राइस जो है वो हमें 2000 रुपीज़ का सेट बताया गया था। और साथ ही में ये हमें दो खेंगे दिखाता हुआ भी गंजा दिखा जिसका प्राइस हमें 1500 बताया गया। तो यहाँ पर भी काफी यूनिक आइटम्स हमें देखने को मिली और बहुत ही अच्छी होम डेकोर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपना घर या फिर आप अपने घर का मेकओवर रिन्यू करना चाहते हैं और बहुत सारे नए नए आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे नए नए होम डेकोर के लिए सामान लेना चाहते हैं और जो बहुत ही यूनिक हो और आपको सस्ते में मिल जाए, तो यहाँ पर बंजारा मार्केट आने का डिसीजन आप बहुत जल्दी ही ले सकते हैं और यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही यूनिक आइटम्स यहाँ पर देखी और इस शॉप का नंबर था 59, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिक आइटम्स दिखी और जहाँ से हमने ये वाला जो है सेट परचेज किया अपने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें हमने ये सामान रखने के लिए बेसिकली ये परचेज किया और हमें ये बहुत अच्छा लगा और ये हमने 1000 रुपीज में पेयर परचेज की है। फिर चलते चलते हम यहाँ पर प्रियंका जी की दुकान पर पहुंच गए जहाँ पर हमने मैक्स देखे, जिस पर मस्क ने चल कर भी देखा। और जो ये मैक्स थे यहाँ पर इन्होंने हमें प्राइस जो है वो 7000 का कोट किया और काफी अच्छे काफी यूनिक मैक्स यहाँ पर अवेलेबल थे और जिनका साइज भी प्रॉपर 6x4 का साइज था और काफी मोटे भी थे। तो हम लोग 6x4 का मैक लेने में इंटरेस्टेड थे तो वही हमने देखे खुलवा कर और हमें इसका प्राइस जो है यहाँ पर 7000 का कोट किया गया था। तो ये वाला मैट हमने यहाँ से परचेज किया जो हमने 3000 में लिया। आगे चलते हुए रोड साइड पर भी काफी मार्केट्स, काफी शॉपकीपर्स बैठे हुए थे जो बहुत सेरेमिक की आइटम्स लेकर बैठे हुए थे। तो ये बंजारा मार्केट भी काफी वास्ट एरिया में लगी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी आइटम्स सेरेमिक से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही यूनिक एलिफेंट भी देखा जो हमें बहुत अच्छा लगा और इसका छोटे वाले का साइज जो है वो 1000 रुपीज़ का पेयर हमें उन्होंने बताया और बड़े वाले का जो है प्राइस वो 1500
रुपीज पर पेयर बताया, बट हमारे मस्क के आउटस्टैंडिंग बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से वो लोग हम पे हंसने लग गए, शॉपकीपर्स जो यहाँ के थे, क्योंकि हमने 300 रुपीज का पेयर उनको ऑफर प्राइस किया था, जिस वजह से हम ये एलिफेंट नहीं ले पाए। तो अगर आपको भी हमारे मार्केट के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम नई नई मार्केट्स कवर करते रहें दिल्ली और NCR की, या फिर कई और स्पेशल मार्केट आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा बंजारा मार्केट का व्लॉग, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में और चलेंगे कहीं और चीज़ को एक्सप्लोर करने। वी आर मस्क एंड ज़ार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।